वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं, मेरी पूरी फैमिली जो है फरीदाबाद जा रहा है मेरे मायके। अब आप लोग सोच रहे हो कि वहां पे ऐसा क्या है, कौन सा ओकेजन है जो सारी पूरी की पूरी फैमिली वहां जा रही है। तो एक्चुअली बात यह है कि जब से निक की शादी करके यहाँ आई है तब से मेरी मम्मी उसे खाने पर बुला रही थी, पर हमें टाइम नहीं लग पाया, स्पेशली लॉकडाउन की वजह से तो हम नहीं जा पाए थे। तो आज का प्लान बनाया, आज दिन निकला है हमारा, मुहूर्त कि आज हम जाए। तो इसीलिए पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड निक्की, सुमित, पापा, मम्मी, धनवा, हम सबके सब जा रहे हैं और सबकी मैंने वीडियो शूट की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। तो चलो देखते हैं सब क्या करते हैं, सब क्या कर रहे हैं, कौन कौन कैसे तैयार हो रहा है, कितना खुश है। यहाँ मेरी मम्मी तैयार हो रही है। मम्मी तैयार होता नहीं नू? हाँ। अभी तो साड़ियों नहीं की पहन लें, आज लेट हुई तो हमारा का मड्डा टाइम। हम दोनों जने से मैं पहले तैयार हो गई। निक्की तो तैयार हो ही गई है लगभग। तो मैं भी हो गई। मम्मी अब बता दो आप कहाँ जा रहे हो? आपको बस फरीदाबाद अपने समधी आना है ना? हाँ। मेरी शादी के बाद बस दूसरी बार जा रहे हो आप? खुश हो? दिखो दिखो अपनी शक्ल दिखो। मम्मी हंसी आ रही तो हंस लो। मैं वही ले लूंगी। मम्मी मैंने अभी पहनाया, बहुत कोशिश कर ली। कैसा लग रहा है? सब गिर जा रहा है, बैठ ही नहीं रहा। क्या क्या? वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं आपके पास जाऊंगा तो चेक करने तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे पूरे दिन भी तो रहना है, मेरे को सांस ही नहीं आ रही इसमें। ये गुजारिश हो रही है मम्मी से, मम्मी से गुजारिश की जा रही है कि मम्मी मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, बहुत भारी है। भारी है, मेरे साथ बहुत जुल्म होता है इस घर में। मुझे 10-10 किलो की साड़ियाँ पहनाई जाती है। स्काई ब्लू वाला सिंपल ना? हाँ मम्मी ब्राइडल है ना, तो थोड़ा सा तो मतलब उसके हिसाब से तो ये सही था। अब मैं पहन लूंगी वो वाली कॉफी कलर वाली, और ये वो पहनेगी तो मेरे सामने थोड़ा सा फीका नहीं रहेगा वो कलर? नहीं 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 नहीं, इतनी सारी तो साड़ियाँ है, फिर भी सोचना पड़ रहा है। चलो जाओ, चलो जाओ जल्दी से, चेंज तैयारी हो रही है। ओ हीरो इधर देखो, तैयार तो हो जान दो वरना आपके फैंस बोलेंगे अच्छे नहीं दिखे। तो आप अच्छे दिखते ही कहाँ हो, शक्ल देगी हम छोड़ो। ओके दांत कैसे से कम नहीं। हम जा रहे हैं मेरे मायके, जा रहे हो अपने ससुराल? ठीक है, बहुत अपने ससुराल में रख लिए। हमारा धनुआ बच्चा कहाँ जा रहा है? धनुआ बच्चा विवेक मामू, विवेक मामू के पास। आपको विवेक मामू अच्छे लगते हैं? और कौन कौन है वहाँ पे? विशाल मामू। विशाल मामू, और कौन है? नानी। नानी, नानी को आप क्या बोलते हो? बे। नानी क्या बोल, नानी को देख के आप क्या बोलते हो? नानी बेटा। और कौन है वहाँ पे? टीका। हाँ, और कौन है वहाँ पे? और नानू। नानू और एक और बिलाई। बिलाई भी है वहाँ पे। और आरती मासी भी तो है। हाँ। आपको पता है हम निक्की मासी के पास भी जाएंगे, मासी नानी के पास भी जाएंगे, सारे लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, सबसे मिलेंगे, सब आपको प्यार करते हैं। लगा दूँ? सब आपको प्यार करते हैं ना? हाँ बोलो, सब आपको प्यार करते हैं ना? बोलो, सबसे मिलोगे? इसमें रबड़ लगवा लो दादी से कि मैं लगा दूँ, ऐसे आइस पे बाल आएंगे ना आपके। गॉड ब्लेस यू। अब मम्मा करेंगी तो आप भी बोलना अच्छी अच्छी, तो गॉड ब्लेस यू बोलो मम्मा को, अच्छी गुड गुड। मम्मा को प्यार कर लो, अच्छा पीछे तो देखो मम्मा को, मम्मा देखो। अब मम्मा कैसी लग रही है बताओ, मम्मा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मम्मा ने क्या पहना है? साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो मम्मा को एक और किसी, तो चले विवेक मामू से मिलने। और आप दिखा दो अपने फ्रेंड्स को आपने क्या पहना है, क्या पहना है?
उस सैंडल, इनका स्पेशल सैंडल है, इनको सैंडल जूतों से बहुत प्यार है तो अपना सैंडल दिखा रहे हैं ना। ये ठीक है, अब मम्मा बात करे अपने फैन से। हाँ ले लू, ठीक है बाय बोल दो, बाय। तो धनुआ ने तो बता दिया कि उसने क्या पहना है, मेरा आप लोग देखो बताओ। मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया, ज्यादा ज्वेलरी अभी तो इयररिंग्स वगैरह पहनने जा रही हूँ, नहीं पहना अभी तक, अभी जा रही हूँ। एंड ये मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट करके बताना कि मेरी ये साड़ी कैसी लगी आप लोगों को, एंड मेकअप लुक भी बता देना। चलो चलते हैं फिर, ये इधर ये तैयार हो रहे हैं। फाइनली निक्की जी का साड़ी चेंज हो गया। हो गया क्यों, रीजन तो बता दो क्यों चेंज करवाया था। इतना हैवी था, बहुत हैवी था, वो मुझसे नहीं पहना जा रहा था और पूरे दिन कैरी करना है, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया और ये अपनी हल्की सी साड़ी पहनी है। परमिशन मिल गई इनको साड़ी चेंज करने की। ये हल्की है, मतलब इससे हल्की है ये कहना चाह रही हूँ, इससे तो थोड़ी सी ठीक है। बाबू तब रेडी, अब चलने जाओ, चाची बुला रही है, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, सारा इधर का सामान बिखरा, चलो चलो जल्दी चलो, ये गोदी में जाएंगे धनु जी, और कहीं जगह नहीं मिला। ये देखो कहाँ तैयार हो रहे, अलमीरा का शीशा मिला इनको, दिखाओ। अच्छा हाथ में ले रखे क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज ये भी मेकअप कर रहे थे, देख लो भाग रहे हैं। अगले वीडियो में ये मेकअप करेंगे हम हमारा। तो धीरे धीरे कहा हंसो तन तन जोर से हंसी आता नहीं, सखी से आई रहा बनी पापा से काहे खाती बताई था। हाँ ना आई नहीं, रौरा को बुला लेनी है ना, तो चल के अभी सुनाये ठीक बा, हम रौरा पीछे रहे ना, रौरा को बुला के कहाँ भागी अनु, तो चले गए रौरा पीछे, हम खड़ा रहे, मैं सुना वाल जाए पढ़ ली जल्दी देखवा रख, चले गए बा नहीं क्या पता नहीं, मैं पूछा मम्मी मैंने इनसे। दादी दादी के पास आओगे, जाओ पास खेलूंगा बच्चा। कहाँ पहुँचने वाले हो धनुआ, कहाँ? ये देखो आप बताओ, आप बताओ कहाँ जा रहे हो, नानू का घर कहाँ पे है बताओ, फरीदाबाद कहाँ, कहाँ कहाँ बताओ, फरीदाबाद ठीक से नहीं बोलने आता, अब बताओ कौन कौन अच्छा है, कौन कौन अच्छा है बताओ बताओ, गन्नी नहीं बोलूंगी नहीं तो पहले बोल दोगे। हाँ बोलो, नानू, नानू कैसे हैं, बहुत अच्छे, जोर से बोलो, और पापा जी लोग अपने संध्या ना पहुंचे वालों, बाल वालों तक ठीक कर ली, पापा जी थक गए, बहुत दूर का रास्ता था है ना, एक घंटा लग गया, टाइम कितना हो रहा है, देखो टाइम कितना हो रहा है, एक घंटा लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा होगा, 12:08 पे गाड़ी की घड़ी के हिसाब से रुके, एक घंटा तो नहीं लगा पर फिर भी थोड़ा दूर है, इस वजह से हम दोनों थक गए, गाड़ी में हम ज्यादा थकते हैं, पैदल ही थकते हैं, इसलिए हमारा मुंह उतर चुका है। एंड यहाँ पे हम रुके हैं, हम पहुँचने वाले हैं घर पे, रास्ते का वीडियो इस वजह से शूट नहीं कर पाए, अब हम पहुँचने वाले हैं सेक्टर 56 में, एंट्री कर चुके हैं, मम्मी गई हुई है, उनको कुछ सामान लेना था इसलिए गई हुई है, और हम यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं, तो अभी मम्मी आएंगी और फिर हम घर जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग शूट करते हैं, है ना धनुआ। तो आज का हमारा लुक कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है हम दोनों,
मुझे पता है आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, खुद से कमेंट कर लेती हूँ, कमेंट करना। और ये साड़ी हम दोनों की, कौन सी साड़ी है हमारी? दोनों ही सिल्क है। हाँ, सिल्क की साड़ी है, तो आप लोग कमेंट करना हमारी साड़ी ये कैसी लग रही है, दोनों को मिला के साड़ी है हमारी कैसी लग रही है। एंड अभी पूरा साड़ी आप लोग को नहीं दिख रहा पूरी तरीके से, साड़ी जब हम उतरेंगे उसके बाद ब्लॉग शूट करेंगे या फुल ब्लॉग शूट करेंगे, फुल वीडियो शूट करेंगे अपना पूरी साड़ी का, तो उसमें देख के आप लोग कमेंट करना कि कैसी लग रही है हमारी साड़ी। ये रो रही है? नहीं, बाबू को तो देख। अच्छा, बाबू को देख के रो रही है। अगर और कोई रीजन हो तो बता दो क्यों रो रही है। मुझे तो मेरा चिकन कुछ ज्यादा ही लाइट कर रहा है, इसका राज क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं बता दो, शायद मेरा नहीं कर रहा, हल्का हल्का कर रहा है। क्या कर ले हो? गाड़ी से आइए, आपका इंतजार। कल मछली पकड़े चलो जाए, और क्या, फोन इसलिए लिया है वीडियो बनाने के लिए, कैमरे दिखाने के लिए। गौर लगा था नहीं, ऐसा कैमरा मेरे को। ये पहुंच गए हम दोनों अपने घर फाइनली, अब आ गए हम अपने घर पे, और मम्मी लोटे में पानी लेके हर बार की तरह हमारा पानी उतारने के लिए गई है। इस बार नया एक चीज़ है, और वो ये है कि दो दो बेटियों का एक साथ वो पानी उतार रही हैं, नज़र उतार रही है, ताकि हम खुशी खुशी घर में एंट्री करें और हमेशा खुश रहें। और अब मम्मी और आरती हम दोनों को घर में लेके जा रही हैं, हम नई नई बहू हैं ऐसे लेके जा रही हैं हमें। भाई मेरा पीछे से परेशान कर रहा था, और ये धनु अपने छोटे नानू की गोद में आते ही चला गया है और उनके साथ खेल रहा है। गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ब्लॉग का पार्ट वन है, और जो सेकंड पार्ट है वो जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। निक्की यहाँ मेरे पापा से मिल रही है, पापा बहुत खुश हुए उससे मिलके। एंड मैंने यहाँ पे बात बता दी पापा से कि मेरे पापा जी जो हैं वो आपसे गुस्सा है, आप नहीं गए थे तो। एंड गाइस, जो सेकंड पार्ट है वो आप जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें आप हमारा फन देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकंड बात ये है कि हम यहाँ से फिर हम अपने छोटे सासू के घर गए थे, तो वहाँ हमारा वेलकम कैसे हुआ, हमने वहाँ पे कैसे मस्ती की, वो सब देखना भी आप लोगों को बाकी है। और एक चीज़ और कि आप लोगों को पता है कि निक्की यहाँ पे खाने पे आई है, तो वो चीज़ तो बाकी है देखना ना कि हाँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मेरी ये सिस्टर है वो मम्मी से कह रही है कि मम्मी मैं आपके भी पैर की मालिश करूँगी, तेल लगाऊंगी, बट मम्मी नहीं लगवा रही। वो ये कह रही है बेटियों के लिए होता है तो इसको लगाओ और कामनी को लगाओ, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेकंड ब्लॉग आने वाला है, तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि सेकंड ब्लॉग का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप लोगों को मिले। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।